हर्षवर्धी का अपनाए, 70 की उम्र में 17 का जोश और 7 की चुस्ती फुर्ती लाए। जरूरी नहीं कि हर एक व्यक्ति डॉक्टर हो, कितने सारे लोग हैं जो सिर्फ जड़ी बूटियों का, दवाइयों का एक ज्ञान रखते हैं। उसी प्रकार मैं भी तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, फिर भी मैंने भी कुछ ऐसी दवाइयाँ ढूंढी है जो मेरे काम आई, मेरे परिवार के काम आए, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी के काम आए। चुस्ती, स्फूर्ति और जोश यानी कि स्टेमिना, शक्ति, पावर, ये क्या होता है? स्टेमिना, शक्ति, पावर, ये सारी चीजें क्या होती है? ये सारी चीजें ऐसी हैं कि इंसान के शरीर में शारीरिक प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए दूर रखता है। चुस्ती, स्फूर्ति और जोश का अर्थ क्या है? एग्जैक्टली इसका मीनिंग स्त्रियों के लिए क्या है, पुरुषों के लिए क्या है? स्त्रियों के लिए मैं बताना चाहूंगी कि स्त्रियों में जो कमियां रहती है, यानी कि शारीरिक शक्ति की कमियां, वो होती है पीरियोडिक प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स। बहुत बार स्त्रियों की ब्रेस्ट छोटी होती है जिसके कारण शादी में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। कुछ ही देर किचन में काम करने के बाद थक जाती है, वीक बच्चे पैदा करती है। ये सारी खामियां आपको स्त्रियों में देखने मिल सकती है यदि उसमें स्टेमिना की कमी हो। दोस्तों, इसी प्रकार पुरुषों में कौन सी कमियां होती है? तो पुरुषों में हम कह सकते हैं शक्ति, मुख्य शक्ति, आंतरिक बल, ऊर्जा, अंदरूनी शक्ति, शारीरिक ताकत की कमी, यौवन दुर्बलता, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, इम्यूनिटी का कम होना, यह सारी कमियां, शारीरिक कमियां जो हमें पुरुषों में दिखाई देती है जब उन्होंने स्टेमिना की कमी हो। तो सवाल अंत में यह उठता है दोस्तों कि यह कमियां कैसे मिलेगी? इन कमियों को दूर किस प्रकार किया जा सकता है? तो दोस्तों, इन कमियों को दूर करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। अभी मेरी उम्र तो आप जान लेते होंगे, जान सकते होंगे कि इट इज आई एम वेरी सीनियर पर्सन। मैंने काफी वीडियोस में बताया है कि आई एम इन 60+, यानी कि 67th रनिंग। सो
इट इज अंडरस्टूड कि मुझ में भी स्टेमिना की कमी आ सकती है, आपको हम एक राज की बात बताते हैं। हमें जो बच्चा हुआ वो बहुत बड़ी उम्र के बाद हुआ, यानी कि 40 की उम्र में। डॉक्टर ने हमें कह दिया था कि इस उम्र में होने वाला बच्चा मेंटली फिजिकली वीक हो सकता है। पर हम डरे नहीं, हमेशा से हमने अपना ख्याल रखने की कोशिश की है और अच्छे से सारी ताकत की चीजें भी खाने की कोशिश की थी, जिसके कारण वो काफी नॉर्मल बच्चा हुआ। तो दोस्तों, हम ये स्टेमिना, चुस्ती, स्फूर्ति कैसे बढ़ाए उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। आपको उसके लिए अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर से बेहतरीन बनाना जरूरी है। जब तक आपकी लाइफस्टाइल में पंक्चुअलिटी नहीं हो पाएगी, तब तक वो स्टेमिना नहीं मिलेगी आपको। उसके लिए आपको करना है वक्त पर खाना, सोना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का प्रॉपर ख्याल रखना। यदि आप यह सारी चीजें करते हो तो स्टेमिना अपने आप बढ़ती है, आपके आपको उसके लिए कॉन्शियस होने की कोई जरूरत नहीं, समझे। तो दोस्तों, यदि स्टेमिना आपकी बढ़ी रहे, बरकरार रहे, बनी रहे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, क्या करेंगे माने कि नशा, तंबाकू, सिगरेट, एक्स्ट्रा चाय कॉफी, ड्रग्स, दारू, आप समझ गए होंगे कि इनका सेवन करना है या इनका सेवन बिल्कुल जीरो कर देना है। यस दोस्तों, इन चीजों का सेवन पूर्णतः बंद कर दीजिए। जैसे कि हमने हेयर तपस्या में कहा कि यदि आप अपने बालों की सुरक्षा चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग बाल चाहते हो, तो आपको शैम्पू, कंडीशनर, ये जहर है बालों के लिए, जो धीरे धीरे आपके बालों को खा जाता है। उसी प्रकार हमने आपको बताया नशा, दारू, सिगरेट, एक्स्ट्रा चाय कॉफी, ड्रग्स, यह सारी चीजें जीरो कर डाली। जिंदगी का मजा फिर भी है, जरूरी नहीं कि इन चीजों से ही आप लाइफ को एंजॉय कर सको। यदि सेहत अच्छी बनी रहे, ताकत, स्फूर्ति और जोश बना रहे, तो क्यों नहीं भाई, आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होगी। दोस्तों, अभी
इन चीजों को आपको अवॉइड करने के लिए मैंने कहा। तो अभी आपके खाने में कौन सी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ये हम आपको बताना चाहेंगे। तो खाने में आप खाएंगे जो दाल चावल रोटी सब्जी वगैरह खाते हो, फ्रूट्स जूस वेजिटेबल सूप ये सारी चीजें भी लीजिए, लेकिन उसके अलावा जो ताकतवर चीजें हैं वो है अखरोट बादाम, साथ में तिल सिंगदाना खजूर, सलाद ग्रीन फ्रूट्स, ये सारी चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। यदि आप चबा चबा के कंटाल जाते हो, थक जाते हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह का टेस्ट भी यदि आपको अच्छा नहीं लगता, भाता नहीं, तो आप उसकी कोई ना कोई लड्डू जैसी चीजें बना ले और उसे एंजॉय करें सुबह दोपहर शाम। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही लड्डू खाए, चार ही बादाम खाए, दो ही अखरोट खाए। सुबह में सबसे पहले नाश्ते में एक छोटी भर के ड्राई फ्रूट्स, साथ में खजूर किशमिश ये सारी चीजें लीजिए, धीरे धीरे चबा के एंजॉय करिए। बाद में एक जूस और छोटा सा ब्रेकफास्ट लीजिए। काफी लोग कहते हैं कि हैवी ब्रेकफास्ट करो, मैं ऐसा नहीं कहूंगी क्योंकि मैंने भी कभी नहीं किया हैवी ब्रेकफास्ट। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ एक छोटी सी वाटी भर के ड्राई फ्रूट्स, साथ में खजूर किशमिश, फ्रूट जूस ना हो तो ग्रीन फ्रूट्स ले लीजिए। आपकी सेहत कभी दुबली नहीं होगी, कभी आपको स्टेमिना की कमी हरगिज नहीं लगेगी। यदि आप सीनियर सिटीजन हो के भी काम कर सकते हो हमारी तरह, श्री अमिताभ बच्चन जी की तरह, रतन टाटा जी की तरह, अंबानी की तरह, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, जेफ बेजोस की तरह, तो इसके पीछे यही राज है कि इनकी इम्यूनिटी, जोश, स्टेमिना एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा, और वो इसी चीजों से आता है, इन्हीं सारी चीजों से जो हमने आपको बताई। हमारे पीएम मोदी साहब वो भी तो 60+ में है, कैसे इतना जोश हो और फुर्तीलेपन से चुस्ती से काम कर लेते हैं, कितनी कंट्रियों में घूमते हैं, कैसे आती है ये स्टेमिना। यही तो चीजें हैं जो वो खाते हैं, कोई आसमान से फ्रूट्स नहीं टपकते हुए, इन्हीं चीजों से आता है। तो आप लोग इसी चीजों का सेवन करें, आपके अंदर भी वही स्टेमिना आएगी, आपको भी 60+ में काम करने की इच्छा होगी। आसमान में ताकते हुए बैठ नहीं जाओगे आप जी। दोस्तों अभी मेरा कहने का ये है कि ये हुई खान पान की बातें। हर्षवर्धिका कहता है कि आपको इन खान पान के साथ साथ
कुछ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की दवाइयां भी लेनी है। यदि आप जड़ी बूटियों की दवाइयां लेते हो इन खान पान के साथ, तो उससे आपके शरीर में और भी अच्छी ताकत और चुस्ती स्फूर्ति आ सकती है। तो वो कौन सी दवाइयां है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, तो हम ये बताएंगे कि हर्षवर्धिका अपने पेशेंट को, हालांकि मैं और मेरे परिवार में काफी लोग यह स्टेमिना की दवा, चुस्ती स्फूर्ति और जोश की दवा लेते हैं, मैं खुद लेती हूँ और मेरे परिवार के सदस्य भी लेते हैं, तो वो राज क्या है? 70 की उम्र में 17 का जोश और 7 की चुस्ती स्फूर्ति, उसके लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां है अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली, कलौंजी के बीज का पाउडर और शिलाजीत। शिलाजीत बहुत ही थोड़ा सा आपको उपयोग में लेना है, साथ में आंवला पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये हुई बात पुरुषों के लिए। कौन सी दवाइयां, वापस एक बार ध्यान रखिए, अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली, कलौंजी के बीज का पाउडर, थोड़ा सा शिलाजीत, आंवला पाउडर, इन सारी चीजों को शहद में मिला सकते हो और ले सकते हो, या फिर शक्कर में थोड़ा सा मिला के भी ले सकते हो, और साथ में यदि आप दूध का सेवन करोगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी बात रही स्त्रियों की, स्त्रियों के अंदर की कमियों को दूर करने के लिए यही सारी चीजें जो हमने पुरुषों के लिए बताई, उसी के साथ साथ मिक्स करें थोड़ा सा जीरा पाउडर, येलो शतावरी, गिलोय, GHILOY, गिलोय, यानी कि पुरुषों की दवाइयां हमने पहले बता दी और बाद में तीन चीजें और स्त्रियों के लिए आप उन्हीं दवाइयों में ऐड करें, येलो शतावरी, गिलोय, जीरा पाउडर। तो इन चीजों से स्त्रियों की स्टेमिना भी बरकरार रह सकती है, बढ़ सकती है। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रह गया होगा दवाइयों के बारे में, तो हम चाहते हैं, हर्षवर्धिका चाहते हैं कि आपकी शक्ति इन सारी इंफॉर्मेशन के द्वारा बनी रहे, स्टेमिना बनी रहे, और आप भी 70 की उम्र में 17 का जोश पाए और 7 की चुस्ती स्फूर्ति पाए।